अगली खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां ऑनलाइन गेम खेलना 16 वर्षीय छात्रा के लिए मुसीबत बन गया। गेम के साथ ही पार्टनर ने ना सिर्फ बेटी के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, बल्कि उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया इलाके की है। अब आरोपी युवक लगातार पिता को कॉल कर बेटी को उसके पास भेजने के लिए दबाव बना रहा है और ना भेजने पर बेटी को उठा ले जाने की धमकी दे रहा है। आरोपी खुद को झारखंड का रहने वाला बताता है। बात नहीं मानने पर आरोपी ने उनकी बेटी के फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। घटना की शिकायत पीड़ित परिवार ने SSP से शिकायत की। 7 दिसंबर को यह मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। अब इस मामले में जनकगंज थाना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शहर के जनकगंज निवासी 16 वर्षीय 10वीं की छात्रा ने शिकायत की है कि 2 साल पहले लॉकडाउन के समय पढ़ाई करने के लिए उसके पिता ने उसे मोबाइल खरीद कर दिया था। पढ़ाई के साथ साथ वह ऑनलाइन गेम भी खेलती थी। एक दिन वह ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेल रही थी और इसी दौरान उसकी पहचान सन्नी एचआर नामक युवक से हुई और वह साथ में गेम खेलने लगे। इसी बीच सन्नी एचआर युवक ने उससे दोस्ती कर विश्वास जीत लिया, फिर उसकी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल हैक कर उसका पूरा डेटा ले लिया। इसके बाद आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद छात्रा ने अपने पिता को बताया तो उन्होंने भी युवक को समझाया, लेकिन जुलाई माह से आरोपी उन्हें कॉल कर धमकी दे रहा है कि बेटी को उसके पास भेज दो, अगर बेटी नहीं भेजी तो वह उनके घर से उसे उठा ले जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी धमकाता है कि वह उसे ऑनलाइन फ्री गेम में खुदकुशी का टास्क दे देगा, जिसके बाद वह खुदकुशी कर लेगी। अब जब उन्होंने आरोपी की बात नहीं मानी तो उसने छात्रा के फोटो वीडियो वायरल कर दिए। आरोपी ने उनके रिश्तेदारों के साथ जुड़ी एक आईडी पर छात्रा के फोटो और वीडियो वायरल किए हैं, जिससे उनकी बदनामी हो रही है। पीड़िता की शिकायत इससे पहले भी ग्वालियर SSP से की थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जनकगंज थाना TI आलोक सिंह परिहार ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी ने खुद को झारखंड का रहने वाला बताया है। अब पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश कर रही है। गेम खेलते खेलते उनको 1.5 साल हो गए सर, तो उसने मेरी लड़की के कुछ आपत्तिजनक फोटो ले लिए और उनसे छेड़छाड़ की। फ्री फायर गेम्स से दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद में उसको परेशान करने लगा, जिस संबंध में हमने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना कर रहे हैं।